नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले दोस्तों विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज के वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं विश्व के जो प्रमुख 25 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनकी स्थापना कब हुई और साथ ही उनकी स्थापना का वर्ष, किसने स्थापना करी और उनके पूरे नाम क्या हैं और उनके साथ जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको आज हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से। पहला है यूएनओ। यूएनओ का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यानी कि अमेरिका में। दोस्तों यूएनओ को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य मेनली ये था कि विश्व भर में शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों यूएनओ की जो स्थापना हुई थी इसके साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को इसके जो प्रमुख अंग हैं, इसके प्रमुख अंगों की बात करी जाए तो इसके प्रमुख अंग कितने हैं? कुल 6 अंग हैं। उनकी स्थापना भी इसी दिन यूएनओ की स्थापना के साथ ही कर दी गई थी। इसके 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा दोस्तों इसका जो प्रमुख अंग है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा जो दोस्तों इसका प्रमुख अंग है वो है न्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा जो इसका अंग है प्रमुख वो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा जो प्रमुख अंग है वो है दोस्तों सेक्रेटरिएट या फिर जिसे हिंदी में कहा जाएगा सचिवालय। तो दोस्तों ये जो 6 अंग हैं ये सुरक्षा पर, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके प्रमुख अंग हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं और इनके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़े जो हैं इनमें से अपन इस वीडियो के अंदर भी देखेंगे। तो देखते हैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। आई होप कि आपको यूएनओ समझ में आया होगा। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, दूसरा है दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों ये विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के सभी देशों के बीच में, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में व्यापार का नियमन करता है या फिर व्यापार के लिए नियम बनाता है। व्यापार के लिए क्या करता है दोस्तों? नियम बनाता है और उन नियमों को लागू भी यही करवाता है। क्लियर है? तो उन्हें लागू भी कौन करवाता है? यही करवाता है। दोस्तों ये जो WTO है ये शुरुआत में इसकी स्थापना किस नाम से की गई थी? GATT यानी कि गेट के नाम से की गई थी। गेट का जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 1944 में कर दी गई थी। ये इसकी पूर्ववर्ती संस्था है, WTO की पूर्ववर्ती संस्था है, तो इसकी स्थापना 1944 में ही कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों समय के साथ इसमें जो परिवर्तन हुआ और फिर इसके स्थान पर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय रखा गया। क्लियर है? तो दोस्तों ये क्या है, जो व्यापार के लिए नियम बनाने वाली संस्था है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व की एकमात्र ऐसी बड़ी संस्था है। अगला देखते हैं दोस्तों, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास WHO यानी कि जैसा नाम से लग रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है दोस्तों COVID-19 के टाइम में WHO ने जो विश्वसनीय योगदान दिया है इस जनसंख्या को बचाने में, तो वो विश्वसनीय है। आगे देखते हैं दोस्तों इसका जो मुख्य काम है WHO का वो क्या है। इसका जो मुख्य काम है वो है दोस्तों दुनिया भर में जितनी भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनके ऊपर नजर रखना, ठीक है, और उनको खत्म करने में योगदान देना। ये क्या है WHO का प्रमुख, उनको सुलझाने में मदद करना, ये क्या है WHO का प्रमुख कार्य है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं दोस्तों, अगला ऑर्गेनाइजेशन है ILO, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों आपको दिख रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO का दोस्तों उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? ये क्या करता है दोस्तों? श्रम से संबंधित नीतियां बनाता है, श्रम संबंधित नीतियां बनाता है और ऐसे कार्यों को, ऐसे श्रम को प्रोत्साहन देता है जो महिला और पुरुष के लिए अच्छे हो। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 29 अक्टूबर 1919 ईस्वी को की गई थी। लेकिन एक खास बात जो ILO से, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, वो ये है दोस्तों कि 1969 में ILO को नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबल पुरस्कार, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो इस ILO को प्रदान किया गया था। अगला संगठन देखते हैं दोस्तों, पांचवा है रेड क्रॉस, ठीक है। अब रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1863 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक, यानी कि स्थापना की किसने थी? तो हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब दोस्तों रेड क्रॉस से संबंधित बातें, कुछ जो काम की है वो देख लेते हैं। अच्छा, रेड क्रॉस का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है वो समझ लेते हैं दोस्तों। जो घायल रोगी होते हैं, जो युद्ध के समय में भी जो रोगी होते हैं या फिर जो घायल हो जाते हैं, जो रोगी होते हैं जिन्हें कोई भी चोट लग जाती है, तो उन्हें बिना भेदभाव के उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, इसका प्रमुख कार्य है रेड क्रॉस का। दोस्तों रेड क्रॉस को तीन बार, अब तक रेड क्रॉस को तीन बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तीन बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और वो सन याद रखने पड़ेंगे आपको, कब कब मिला है। पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था दोस्तों 1917 में, दूसरा मिला था दोस्तों 1944 में, तीसरा मिला था, इसको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था दोस्तों 1963 में। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था, ये दूसरे युद्ध द्वितीय युद्ध में योगदान देने के लिए मिला था, और 1963 में भी इसीलिए मिला था क्योंकि यहाँ पर 1863 मतलब 1963 में 100वीं वर्षगांठ पर, रेड क्रॉस की 100वीं वर्षगांठ पर 1963 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो तीन बार शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिल चुका है, ठीक है। एक दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो हेनरी ड्यूनेंट थे, इसके संस्थापक थे जो रेड क्रॉस के, इनको पर्टिकुलरली मतलब इनको इंडिविजुअल जो मिला है नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला था दोस्तों? 1901 में। इसकी किसकी? रेड क्रॉस की स्थापना के लिए इन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगर दोस्तों वर्ल्ड बैंक के कुल मुख्य कार्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? इसका उद्देश्य था दोस्तों जो विश्व के देश हैं, जो प्रमुख सभी देश हैं, देशों को, विश्व के सभी देशों को आर्थिक सहायता करना, आर्थिक सहायता देना। तो विश्व के देशों को आर्थिक सहायता देना किसका काम है दोस्तों? मुख्य काम है वर्ल्ड बैंक का। चलिए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, अगला और प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस, यहां पर यूनेस्को एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है दोस्तों, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसका, हिंदी में बोला जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगर दोस्तों इसकी स्थापना का उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो देख लेते हैं। विश्व भर में क्या करना दोस्तों? शांति स्थापित करना, साथ ही सुरक्षा को बढ़ावा देना, शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं दोस्तों, वो है, एक तो है दोस्तों आपने देखा होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, यानी कि जो वैश्विक धरोहर होती है, जैसे कि जो पुरानी इमारतें हैं, जो विश्व धरोहर की जो इमारतें हैं, पार्क हैं, उनका संरक्षण करना, क्या करना? उनका संरक्षण करना, साथ ही साक्षरता को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना,
बेरोजगारी कम करना, इस प्रकार के जो इसके जो मुद्दे हैं ये सारे इसके प्रमुख कार्य हैं। इनके लिए जो ये गरीबी कम करना, साक्षरता बढ़ाना, इनको संरक्षण देना, इनके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो यूनेस्को के द्वारा मुख्य रूप से आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगला संगठन देखते हैं, आठवां है दोस्तों IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। जो इसका मुख्यालय है वो है दोस्तों अमेरिका के वॉशिंगटन DC में, यानी कि USA के वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में क्या है इसका IMF का मुख्यालय है। दोस्तों इसका जो स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य वो है दोस्तों गरीबी को कम करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो सतत आर्थिक व्यापार है उसको प्रोत्साहन देना, इसका प्रमुख काम है। अगला जो संगठन है वो देख लेते हैं, अगला संगठन है दोस्तों नाटो। नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अगर दोस्तों नाटो की बात की जाए तो नाटो का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या था, आतंकवाद जैसी समस्याओं से को मतलब उनको निपटाना, आतंकवाद जैसी समस्याओं को निपटाना, ये क्या है दोस्तों नाटो का काम है। इसके अलावा जो हथियारों पर नियंत्रण, ऐसे कार्य भी किसके ऊपर है, नाटो के प्रमुख कार्य हैं। अगर दोस्तों नाटो के जो प्रमुख सदस्य देशों की बात की जाए तो वर्तमान में इसके कुल सदस्य कितने हैं, इसके नाटो के कुल सदस्य हैं 30। दोस्तों नाटो के सदस्यों की एक खास बात यह होती है कि अगर 30 में से किसी भी एक देश पर अगर आक्रमण होता है, तो वो नाटो के जो सभी सदस्य देश हैं 30 उनके ऊपर आक्रमण माना जाता है और इस अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, दसवां है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक भी कहा जाता है इसे हिंदी में। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, मनीला और फिलीपींस। मनीला कहाँ है, फिलीपींस में आता है, तो मनीला में कहाँ है इसका मुख्यालय है। दोस्तों इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो देख लेते हैं, इसकी स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है दोस्तों आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना, क्या है, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही दोस्तों इसके जो कार्य हैं वो तीन प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला जो कार्य है वो दोस्तों जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम है वो है एशिया के जो प्रमुख देश है उनको, प्रमुख क्या, सभी देशों को लोन देना, उसके अलावा उनको तकनीकी सहायता देना, और तीसरा काम जो है वो है दोस्तों अनुदान देना। क्लियर है, तो ये क्या है दोस्तों ADB के प्रमुख कार्य हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों आसियान, या फिर इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी को और इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। अगर दोस्तों आसियान की बात की जाए तो ये क्या करता है दोस्तों, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच में इसका काम क्या है, अगर काम जो बता रहा हूं मैं उसका काम क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके बीच में साझेदारी व्यापार को बढ़ाना, जो दक्षिण पूर्व के एशियाई देश हैं उनके बीच में साझेदारी व्यापार को बढ़ाना इसका प्रमुख कार्य है। दोस्तों अगर आसियान के बारे में अगर कुछ पुरानी बातें देखते हैं तो इसका जो पहले नाम था, इसका जो शुरुआत में जो मुख्यालय रखा गया था वो बैंकॉक में रखा गया था,
कहां पर? बैंकॉक में इसका मुख्यालय पहले था। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। और अगर दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि क्या भारत आसियान का सदस्य है, तो भारत इन 10 सदस्यों में नहीं आता है, भारत आसियान का 10 सदस्यों में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों 1994 में, अगर 1994 की बात की जाए, तो 1994 में आसियान का जो क्षेत्रीय संवाद, मतलब 1994 में जो आसियान ने क्षेत्रीय संवाद स्थापित किया था, उसमें भागीदारी ली थी और भारत इसका पूर्णकालीन सदस्य है। जो क्षेत्रीय संवाद भागीदारी है उसका पूर्णकालीन सदस्य है भारत। इसके अलावा विश्व के 23 देश अन्य भी हैं। अगला देखते हैं दोस्तों सार्क। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन वो हुआ था दोस्तों 1985 के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1985 में ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुआ था। अगर दोस्तों सार्क की बात की जाए तो सार्क क्या है? एक 7 देशों का एक संगठन है। कितने देशों का? 7 देशों का एक संगठन है। इन 7 देशों के नाम पूछे जाते हैं कि भारत इसमें सम्मिलित है या नहीं है। तो इसमें पहला देश क्या है दोस्तों सार्क का संगठन? भारत। दूसरा क्या है? बांग्लादेश। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? श्रीलंका। चौथा हो जाएगा दोस्तों नेपाल। फिर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला है भूटान। कितने हो गए दोस्तों? 3 और 3 6। और एक अन्य जो देश है वो 7वां देश है, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मालदीव। तो ये जो 7 देश हैं ये क्या है? सार्क के प्रमुख सदस्य देश हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों नाम, या फिर इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर है? सेंट्रल जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में। और गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में यानी कि सर्बिया में हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं कि जो नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट है, इसकी स्थापना क्यों करनी पड़ी? दोस्तों अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद पूरे विश्व में दो गुटों का जो दो मतलब जो पूरा विश्व था वो दो गुटों में बट गया था। पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो दो गुट के अंदर बट गए थे। और उनमें से पहला गुट कौन सा था दोस्तों? एक था दोस्तों सोवियत संघ का। एक कौन सा था? सोवियत संघ का, जो साम्यवादी संगठन था सोवियत संघ का, एक वो था, इसे साम्यवादी भी कहा जाता है। एक था दोस्तों अमेरिकी, जिसे पूंजीवादी संगठन भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ था कि कई सारे देश जो हाल ही में या उस टाइम पे क्या हो रहे थे, ब्रिटेन के उपनिवेश में थे, मतलब औपनिवेशिक देश थे, वो आज़ाद हो रहे थे धीरे धीरे। अब उन नए जो देश थे, जो नए आज़ाद नए देश जो थे बने थे, उनके सामने क्या समस्या थी कि अगर वो सोवियत संघ का साथ देते हैं तो अमेरिका से दुश्मनी हो जाएगी, और अगर वो अमेरिका के साथ जाते हैं पूंजीवादी संगठन में तो सोवियत संघ से दुश्मनी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया था, इन देशों ने मिलकर एक नया संगठन, अपना खुद का नया संगठन बनाया था, जिसे नाम क्या दिया गया? नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट इसे कहा गया था। दोस्तों अगर बात की जाए कि इसका नॉन अलाइन मूवमेंट का उद्देश्य क्या था, तो जितने भी नए देश थे, जो नए देश बन रहे थे उस टाइम पे, नए देशों के हितों की रक्षा करना, देशों के हितों की रक्षा करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान में नाम के कुल कितने सदस्य देश हैं, तो इसके कुल 120 सदस्य देश हैं। ये यूरोपियन संघ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसके कितने देश हैं, कितने 120 इसके कुल प्रमुख सदस्य देश हैं। अगर दोस्तों नाम के संस्थापक कौन थे, किन 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। नेहरू, नासिर, टीटो याद रखना है, जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नासिर, नासिर कौन थे दोस्तों? मिस्र के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्दुल नासिर। और तीसरे जो व्यक्ति थे दोस्तों टीटो, यानी कि जो युगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे जोसेफ टीटो। ठीक है, तो ये आपको नाम के बारे में याद रखना है। तो अगला देखते हैं दोस्तों संगठन।
ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इनकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहां पर है? वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। अब जो ओपेक है दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है, जिनसे पेट्रोलियम, पेट्रोल और ये सारी चीजें निकाली जाती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति को विनियमित करना। साथ ही दोस्तों, इन जो ओपेक का जो प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि जो कच्चे तेल के जो भाव हैं, जो रेट हैं, उन्हें एक लेवल पर बनाए रखना, ताकि इन देशों को भी फायदा हो सके। ठीक है, अब दोस्तों ओपेक के अंदर बहुत सारे देश हैं, सदस्य देश हैं। वर्तमान में अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 13 सदस्य देश हैं। इनमें दोस्तों देश हो जाएंगे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, इंडोनेशिया, और ये सारे देश किस में हो जाएंगे? ओपेक में हो जाएंगे, जहां से पेट्रोलियम निकलता है, तो वो देश हो जाएंगे। अगला संगठन है दोस्तों यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, यानी कि बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य है दोस्तों स्थापना का, वो क्या था? मतलब जो दोस्तों यूरोपियन संघ के जो प्रमुख जो देश है, इसके अंदर 28 देश आते हैं प्रमुख। इनके अंदर दोस्तों कोई सीमा नहीं है, इन देशों के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। तो इसका जो उद्देश्य रखा गया था ईयू का, यानी कि यूरोपियन संघ का, वो उद्देश्य भी यही था कि जो इसकी आंतरिक सीमाएं हैं, इन देशों की जो सीमाएं हैं, उनको मतलब बिना सीमा के ही सुरक्षा करना। उनमें कोई सीमा नहीं है, तो उनकी जो बाउंड्री है, उसकी बिना जो बॉर्डर है, उसकी सुरक्षा करना, बिना सैनिकों के उसकी सुरक्षा करना यूरोपियन संघ का प्रमुख उद्देश्य था। अब दोस्तों अगर बात करें कि इसके अलावा और इसका क्या काम था, इसके अलावा इसको न्याय प्रदान करना उन देशों को, ये भी यूरोपियन यूनियन का एक प्रमुख काम है। अगर दोस्तों इसके सदस्य देशों की बात की जाए, तो इसके प्रमुख 28 सदस्य देश हैं, जिसमें से जो 19 सदस्य देश हैं, उनकी जो मुद्रा है वो कौन सी है? यूरो है। उनकी मुद्रा क्या है? यूरो है। सभी की मुद्रा क्या है? यूरो है। लेकिन जो बचे हुए 9 देश हैं, इनकी मुद्रा यूरो नहीं है। इनके यूरो के अलावा इनकी मुद्रा क्या है? अलग अलग मुद्राएं हैं इन देशों की। तो 19 देश जो हैं, उनकी मुद्रा क्या है? यूरो है। और कुल कितने सदस्य देश हैं? 28 सदस्य देश हैं। अगला देखते हैं दोस्तों ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बी स्टैंड फॉर ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एंड एस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या है दोस्तों? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दोस्तों 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2010 में इसमें कौन शामिल हुआ था? दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद इसका नाम क्या बन गया था? ब्रिक्स बन गया था। एस से साउथ अफ्रीका, यहां पर इसके पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक इसका नाम था। दोस्तों इसका मतलब क्या है? ब्रिक्स है क्या दोस्तों? एक तरह से देखा जाए तो ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स दोस्तों जो विश्व के प्रमुख देश हैं, विश्व की जो पांच सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो है उनका संगठन है ब्रिक्स। उभरती हुई मतलब जो डेवलपिंग है अभी, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है। तो उनका सम्मेलन, इसका जो पहला सम्मेलन, उनका जो एक देखा जाए तो एक उनका ग्रुप है, और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2009 में, जैसा मैंने बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। तो 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? रूस में, रशिया में हुआ था। अगला संगठन देखते हैं दोस्तों 17वां, यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जैसा कि नाम से लग रहा है, चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों के लिए ये कार्य करने वाली एक संस्था है, उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगर दोस्तों यूनिसेफ की बात की जाए, तो विश्व के बच्चों को, जो विश्व के सभी बच्चे हैं, उनको बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य, पोषण और क्या कहा जाए, शिक्षा और उनके कल्याण के लिए यह संस्था क्या है? कार्यरत है। अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं दोस्तों आईओसी,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लोसाने में है। ये लोसाने जो इसका मुख्यालय है, ये एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों कि आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? इसके संस्थापक थे पियरे डी कोबार्टिन। तो इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? पियरे डी कोबार्टिन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों हाल ही में जो ओलंपिक हुए थे 2020 के, जो ओलंपिक 2021 में आयोजित किए गए थे कोविड के कारण, वो कहां पर हुए थे? टोक्यो में हुए थे। ठीक है, तो अगला देखते हैं कमेटी दोस्तों। 19वीं कमेटी है फीफा, FIFA, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये दोस्तों विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल टूर्नामेंट करवाने वाली संस्था है, उसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 ईस्वी को। इसका मुख्यालय पूछा जाता है दोस्तों, मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख, यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला देखते हैं ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? दुबई में, यानी कि UAE, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। अगला देखते हैं दोस्तों ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आज के पहले क्वेश्चन में अपन ने देखा था, पहले संगठन में देखा था कि जो UN था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था, उसका एक प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? हेग, द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका जो काम है वो क्या है दोस्तों? मतलब विश्व स्तर पर न्याय उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, यूएनएफ के 6 अंगों में से ये प्रमुख है। पूछा जाता है दोस्तों कि ICJ, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। भारत से इसमें कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो भारत में दोस्तों, भारत से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो दूसरी बार लगातार दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जो है भारत में, भारत की ओर से जो ICJ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है। अगला जो संगठन है वो है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। अब IAEA का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि विश्व में जितने भी देश हैं उनके बीच में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो परमाणु ऊर्जा की वजह से, कोई भी गलत नहीं हो किसी देश के साथ, इसका मतलब जो फिजूल यूज़ ना हो, शांति क्या है, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। अगला संगठन है दोस्तों नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 ईस्वी को और इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, यानी कि अमेरिका में इसका मुख्यालय है। क्लियर है? तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।